हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोअर पीसेस एग्जाम के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन रिलेटेड होंगे आपके जीएस, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा या मरियम पैलेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोती मस्जिद। ठीक है, ये मोती मस्जिद जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। सूची एक को सूची दो से मिला करके आपको सही आंसर बताना है। सूची एक में कुछ चर्चित यानी फेमस पर्सनैलिटी के नाम है, और उनको बताना है आपको ये किस फील्ड से रिलेटेड है, किस कार्य क्षेत्र से इनका संबंध है। पहला तो दिया आपका जॉन डब्ल्यू एशे, दूसरा है अविनाश चंदेर, तीसरा है एन आर नारायण मूर्ति, और चौथा है लोडिया सकेरा। तो आपको बताना है इनका संबंध किससे है, ध्यान से पढ़ेगा इस क्वेश्चन को। पहला तो दिया आपका जॉन डब्ल्यू एशे, तो ये क्या है, ये है एक प्रसिद्ध राजनीतिक। ठीक है, नेक्स्ट है अविनाश चंदेर, तो अविनाश चंदेर का संबंध किससे है, इनका संबंध है ये है मिसाइल वैज्ञानिक। उसके बाद है आपका एन आर नारायण मूर्ति, इनका संबंध है किससे, ये एक व्यवसायी है, और लीडिया सिकेरा ये एक खेल से रिलेटेड पर्सनालिटी है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। देखिए आपको कमेंट करके बताना है कि जो पहला वित्त आयोग जो कि 1951 में गठित हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो जो सरकार है, ठीक है, ये सरकार ये जो है राज्य का घटक नहीं है, बाकी भूमि हो गया, जनसंख्या हो गया, सेना हो गया, ये राज्य के घटक हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जब भी भारत के राष्ट्रपति की बात आती है तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। फैक्ट्स ये है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी रिक्वायर है, ये है 35, और जस्ट इसी को उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा 53 और 52। ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 53 और 52 रिलेटेड है भारत के राष्ट्रपति से। ये फैक्ट आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, आपको फिर से सूची एक को सूची दो से मिला करके सही आंसर को सेलेक्ट कर लेना है। सूची एक में कुछ एक्ट दिए हैं, आपको बताना ये एक्ट कब पारित हुआ था। ठीक है, तो पहला तो आपका दिया है द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। ठीक है, तो ये पारित हुआ था आपका 1936 में। नेक्स्ट है द फैक्ट्रीज एक्ट, ये हुआ था आपका 1948 में। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट, ये हुआ था आपका 1979 यानी कि 1979 में। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट, ये पारित हुआ था आपका 1970 में। इस तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को आपको वीडियो पॉज करके अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, खासकर ये फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, संसद में शामिल कौन कौन होता है। देखिए लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, बट एक और होते हैं, वो है प्रेसिडेंट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राष्ट्रपति भी होते हैं, ये ध्यान आप लोग रखिएगा। अगला प्रश्न है, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है। तो ये निवास करती है बिजनौर में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियों में से कौन सी जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बुक्सा। ठीक है, और बुक्सा कहाँ निवास करती है, बिजनौर में, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब तथा संगीत के उस्ताद फयाज़ खां का जन्मस्थल कौन सा है। तो इनका जन्मस्थल है आगरा। ठीक है, राधा स्वामी मत का मुख्य केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जिस जिले में स्थित है वो है आगरा। याद रखिएगा, उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब तथा संगीतक उस्ताद फयाज़ खां का जन्मस्थल भी आगरा है, और राधा स्वामी मत का केंद्र भी कहाँ है, आगरा में है। अगला प्रश्न, राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने एवं कार्य करने का अधिकार किसे प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये प्राप्त है मंत्रिमंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में
द्विसदनीय व्यवस्थापिका है जिसमें एक विधानसभा है, दूसरा बताना है कौन सा है। ये आसान प्रश्न है, आपको पता है ये होगा एक विधान परिषद, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिका उत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है। आसान प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये है, उत्तर प्रदेश के बरसाना में लठमार होली का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो ये आयोजित किया जाता है आपका अली आगरा में, ठीक है, आगरा में ये किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार कब किया गया था। तो ये किया गया था 2005-06 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश खेल विभाग का कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। सूची एक को सूची दो मिला करके आपको आंसर बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसमें पहले दिया हुआ है गाजी पार्क, की कहाँ पर है, तुर्की में है। नेक्स्ट है एनिस किलेन, ये कहाँ पर है, उत्तरी आयरलैंड में। हुन्नात प्रांत, ये कहाँ पर है, आपका चीन में है। बुर्ज खलीफा कहाँ है, दुबई में। देखिए आप कन्फ्यूज मत होइएगा, इसमें दिया है उत्तरी आयरलैंड। देखिए पहली बात तो उत्तरी आयरलैंड यानी कि नॉर्थ आयरलैंड और आयरलैंड में डिफरेंस होता है। आयरलैंड देखिए जो आपका यूके है, यूके किस किस से मिलकर के बना है, ये मिलकर के बना है आपका स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नदरलैंड, ये सारी चीज़ें मिलकर के आपका बना है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसमें से इंग्लैंड और वेल्स में वर्ल्ड कप चल रहा है 50 ओवर का। तो याद रखिएगा आप लोग, नदर आयरलैंड और आयरलैंड दोनों ही अलग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिला करके आपको सही आंसर को सिलेक्ट कर लेना। सूची एक में कुछ तिथि दी हुई है, डेट दी हुई है, आपको बताना है कि इस दिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला है 5 जून, तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। सेकेंड है आपका 8 जून, 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। और 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। और विश्व संगीत दिवस के साथ साथ 21 जून को विश्व योगा दिवस भी मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो 2019 की थीम क्या है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इस बार की थीम है आपका बीट एयर पोल्यूशन। और 2018 की थीम क्या थी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत ही सम्मान करते थे। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बद्र बाहु, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया, 10 इंपॉर्टेंट यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोअर पीसेस का एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर करिएगा, थैंक यू।